नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा आले प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि हेडलाइन्स माओ कब्जे थिबा निखोज जवान को आसिला प्रथम फोटो सेना पोशाक रे बसिछन्ति राकेश्वर सिंह सुरक्षित फेराइबा को मध्यस्थक तालिका पठाइबा को माओवादी को संदेश राज्य में आज रेकर्ड संख्यक संक्रमण 24 घंटा 791 पॉजिटिव क्वारंटीन 469 लोकाल 332 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 640 चिन्हट नाइट कर्फ्यू आहरी कड़ाकड़ी कहले स्वास्थ्य मंत्री देश में भी रेकर्ड कला दैनिक संक्रमण 115736 नुआ पॉजिटिव चिन्हट 630 आक्रांत मृत्यु वर्तमान सुधा मृत्यु संख्या 166177 को वृद्धि रेपो रेट अपरिवर्तित रखिला आरबीआई बदलानी रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी सूचना देले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35 रहा खोर्धा बीरकिशोर गांव युवती निखोज घटना दुई मास परे वीडियो वायरल करी उद्धार पाई युवती निवेदन पुलिस तदंत जारी मध्यप्रदेश जाए खोलताल कर बाणपुर पुलिस जमीजमा बद को नहीं भाई भाई मध्य मणातक आक्रमण सात गुरुतर चारिजण को कटक मेडिका स्थानातर भद्रक सुबदिया गांव में अभावन घटना बांसुरा थाना दुईट मामला कार भितर 170 केजी गंजे जबत दुई अभियुक्त को गिरफ्त कला दिगपहंडी पुलिस मौला भणजा ब्रिज निकट में पाट्रोली बेले खसी पलाऊला गाड़ी काबू कले थाना अधिकारी एवं ओडिया खाइबा प्रेम में सिंघम पोड़पिठा चाखिबा अपेक्षार बाजीगर गर्ल काजल बॉलीवुड रे राजधानी रुदिस किचन एंट्री जुहु बीच से अन्य स्टार भी ने ओडिया खाइबार मजा माओवादी कब्जे जवान को आसला फटो छत्तीसगढ़ बीजापुर में माओवादी कब्जे कोब्रा बाहिनी जवान राकेश्वर सिंह मनहस फटो प्रथम थर पर हस्तगत हो फटोरू जमापड़ी माओवादी क्यांप्रे सुरक्षित अच्छा जवान तेरे सुरक्षित फेरवा लगी मध्यस्थक तालिका पठाइवा को संदेश देती माओवादी एथस तीन तारीख में जवान लुटी अस्त्रशस्त्र फटो जारी कर दंडकारण्य स्पेशल जोनाल कमिटी AK-47 LMG UVGL ग्रेनेड लंच 2000 गुड़ लुटी माओ संगठन पक्षर् स्पष्ट कर सेपरी जवान को गुलीमाड़ में जड़े महिला माओवादी समेत पांच जन माओवादी मृत्यु होता बेले प्रेस रिलीज जारी कर नक्सल संगठन बीजापुर जोनागुड़ा जंगल में नक्सल नरसंहार पर सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहस पत्ता मिल ना तेरे से माओवादी कब्जे सांबादिकों को फोन कर सूचना देते नक्सल संगठन छत्तीसगढ़ बीजापुर सांबादिक गणेश मिश्र को फोन कर जवान देह में गुड़ बाजि और चिकित्सा करओवादी राज्य में आज रेकर्ड काटिला कोरोना आक्रांत को संख्या राज्य में 24 घंटे 791 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 469 जन रही बेले लोकाल केस रही 332 सुंदरगढ़ सर्वाधिक 640 पॉजिटिव चिन्हट होती सेपरी खोर्धार दिनक 118 पॉजिटिव चिंता बढ़ाई कटक 46 संबलपुर 45 और पूरी 43 केस सामनाक आसी के 39 और झारसुगुड़ 38 पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में मोट आक्टिव केस 4255 पहुंची तेरे से गोटेपटे राज्य में संक्रमित संख्या बढ़ुता बेले सीमावर्ती अंचल जहाँ रही सेगुड़िक विशेष चिंता बढ़ाऊ जो वर्तमान सीमा अंचल को कड़ाकड़ी कि भाव जो छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य रही लोके कि भाव ओडिशा को न आसबे से नहीं कौन सब व्यवस्था रही सदासख आलोचना करवा आम सहित मनीष शर्मा आम वर्ग प्रतिनिधि बाबद आलोचना जोड़ी होती मनीष जो भाव जी कह जो छत्तीसगढ़ कथ कह जो पड़ोसी राज्य गुड़िक रही जो मैंने आसुच्च कोटना सेमाने ही बेसी चिंतार कारण पलटुचार तेणु जो बॉर्डर एरिया रही अर्थात सीमावर्ती एरिया रही सब कौन व्यवस्था करा कर
निश्चित रूपे निवेदिता जो भली भाव में राज्य में जो भली भाव कोरोना संक्रमण एवं वृद्धि पाई यादि नजर देखा तो छत्तीसगढ़ जो पड़ोसी राज्य रही सेठार अधिक एवं रही बरगढ़ जिले में रही जेहेतु आज बरगढ़ जिले में 48 जन कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती तो मुझे वर्तमान ढड़ा होती बरगढ़ जिला सोहेला ब्लॉक अंतर्गत लोहराचटी जो रास्ता अच्छी से बॉर्डर अच्छी छत्तीसगढ़ तो मो पछपटे आप देखिपे ये ओडिशा पुलिस बैरिकेटिंग कराई ये होची ओडिशा पुलिस रो बैरिकेटिंग एठारे जो जो दिन तीन दिन आगर जो कोविड पर्यवेक्षक आसीथिले से कहीथिले से समय रे समीक्षा करा जायतला जे जिलापाल स्तरीय एक बैठक करा जायतला एवं एसपी मध्ये सेठारे उपस्थित थिले एवं जो सीमांत अंचल रहिछि सेठारे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जिवो बोली से निष्पत्ति निया जायतला किंतु मु आपनकु चित्र देखाउछि ये होची देखंतु ये होची सेही चेकपोस्ट चेकपोस्ट तैयारी करा हिची एठारे केही मध्य नांती केवल तीन चारिटा चौकी छाड़ी देलापर केही मध्य एठारे उपस्थित नांती जो छत्तीसगढ़ अंचल लोक माने अछंती से माने आराम रे जीवा आसीवा करुछंती ये चित्र आपण देखंतु ये होची सरकार को एक नग्न चित्र देखंतु एपटे पड़ी जो चौकी भंगा चौकी पड़ी एठी एवं पूरा संपूर्ण भाव में खाली पड़ी रही केही मध्य केही ना पुलिस प्रशासन विभाग केही लोक अच्छा ना जो स्थानीय अधिकारी अच्छा कोविड पे जो मानक रखाई सेमाने केही मध्य एठारे उपस्थित नाहंती तो ये हूँ वास्तविक चित्र जे किपरी भाव में कोरोना को आम ब्रेक देवा आप सीधा सल देखिपुटी निहाती तेज मनीष गोटे कथा आसुच्चे जो छत्तीसगढ़ कथा कहुच्छे केवल छत्तीसगढ़ नुहे महाराष्ट्र कथा कहुच्छे गुजरात कथा कहुच्छे कर्णाटक तमिलनाडु ये सब जगार बर्तमान स्थित सांघातिक है तेज कहुच्छे जो पड़ोसी राज्य रही से माने जो जो मैंने सेठार आसुच्चे ही संक्रमण मामला बेसी सामना को आसुच्चे जदि कह राज्य में संक्रमित बढ़ाऊँच तेणु कौटना कौटे जो चित्र आप देखा ये चित्र ही बयान करुच्चे जो प्रशासनिक अधिकारी नियोजित करा दैछि कोविड पई जो मानको नियोजित करा दैछि से माने वर्तमान केउठी एवं जहाँ चित्र आपण देखाउ छथि मनीष एभले जदि प्रकृत रे हेउ थाए ताले कोटना कोटि संक्रमण त आहुरी बढ़िबो निश्चित रूपे निवेदिता परिस्थिति भयंकर होवार लागी जो पड़ोसी राज्य सबुठारु बेसी मुंड दुखा बरगढ़ जिला पाई पलटी किंतु ये जो चित्र होची ये चित्र सीधा सलग जो जे आम जो किभरी भाव में कोविड परिचालना चली कोविड जो संक्रमण को किपरी भाव में वृद्धि होता ब्रेक होीधा सलग आप देखिपे जो भाव कि भाव जो प्रशासनिक अधिकारी अच्छा से मानकर कौन मानसिकता रही जो गाइडलाइन केवल यादले तो हम ना जो जहाँ कार्यकारी करा कथा जो कोविड पर्यवेक्षक जो मैंने रहा कथा से आसवा कथा यठार सीमार पुलिस जगवा कथा कहते जो किपरी भाव में जो छत्तीसगढ़ रु किपरी लोक भितर को प्रवेश न करेंगे जो मैंने आसवे डाटाबेस रखा ये सब जदि कर केवल कागज कलम कर दृश्य सीधा सड़क बयान करुच्चे आपण मैंने किसी करूना से आज बरगढ़ जिलार परिस्थिति भयंकर होवे लगी निवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा आम सहित जोड़ी आम बरगढ़ प्रतिनिधि सीधासख छत्तीसगढ़ सीमार जहाँ से लाइव चित्र देखा जहाँ राज्य सरकार का जो कोविड परिचालनार नग्न चित्र को ही देखा जे किभ भाव सबकि खोलामेला पड़ी एवं केवल गोटे अस्थायी क्यांपटे खोल जाए कि कौन सी कोविड अधिकारी कथ कहतु स्थानीय प्रशासन कथ कहतु कहारी देखा नहीं तेज किभली भाव बॉर्डर को सुरक्षा दि जाऊँगी किभली पड़ोसी राज्य जो मैंने आसुच्चे चेकिंग चली पूरा ताजा चित्र आपण मैंने सीधासख देखिपे भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु पुणी तीन यात्री पॉजिटिव चिन्हट समस्त तीन जन आक्रांत बेंगालोर फेरता नियंत्रण बाहर को जाउछि रेल स्टेशन चिंता बढ़ाउछंती ट्रेन यात्री स्क्रीनिंग और टेस्टिंग रे रेल विभाग पक्षरु सहयोग मिलनथिबा अभियोग होइछि बुर्ला मेडिकल कॉलेज को पसला कोरोना मेडिकल कॉलेज रे एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष जन छात्री पॉजिटिव चिन्हट होता मेडिकल अध्यक्षा डॉक्टर जयश्री दोरा सूचना देते तेज छात्री जनक कोरोना आक्रांत चिन्हट होगापर होम आइसोलेशन अच्छा जो हॉस्टल रोते से हॉस्टल को सानिटाइज कर कंटाक्ट ट्रेसिंग जारी रही
प्रभावित राज्यर लोकमाने राजधानीको आसुथिबारु संक्रमण बढ़ुछि। सरकार और स्वास्थ्य विभाग संपूर्ण सजाग स्थिति उपरे नजर रखिछन्ति। नाइट कर्फ्यू संक्रमण रोकिबाकु एक माध्यम। रातिरे क्लब और पार्टीरे जो गहळी होइथाय ताकु रोकिबा पई नाइट कर्फ्यूर आवश्यकता रहिछि बोली कहिछन्ति डीएमईटी। सेबडे राज्यरे आहुरी कड़ाकड़ी हेबो नाइट कर्फ्यू। 10 जिल्लारे राति 10 रु सकाळ 5 जाए एनफोर्समेंट कड़ाकड़ी करा जाउछि। सीमावर्ती जिलार जो लोक पड़ोसी छत्तीसगढ़ आसुछन्ति सेमानकु अनुध्यान करा जाउछि। जिलापाल और पुलिस प्रशासन को आवश्यक पदक्षेप नेबाकु निर्देश दिया जाइछि। अधिक टीका जोगाइ देबा पई केन्द्र को चिट्ठी लिखिछि बोली कहिछन्ति स्वास्थ्य मंत्री नव दास। मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक टाइम टू टाइम कोविड विषय रे निजे रिव्यू करछंती एवं परिस्थिति को तीक्ष्ण दृष्टि रखिछंती। काली मध्य रिव्यू करथिले हेल्थ डिपार्टमेंट एवं निर्देश देइछंती जे सीनियर ऑफिसर तथा चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर समस्त गस्त करिवे पश्चिम ओडिसार विभिन्न जिल्ला मानकरे परिस्थिति को तीक्ष्ण दृष्टि रखिबे एवं रिव्यू करिवे। आपण जानिछंती पीके जेना डेवलपमेंट कमिश्नर ऑलरेडी झासुडा जाइ सालेनी चीफ सेक्रेटरी मध्य जीवार व्यवस्था रही आग को आपण कहे नाइट कर्फ्यू आम जो सीमांचल जमी छत्तीसगढ़ नुआपड़ा एरिया रे एटी नाइट कर्फ्यूटा एनफोर्समेंट कड़ाकड़ी करने मुख्यमंत्री निर्देश देते। तृतीय कथा हूँ जे सबुतर बड़ कथा जे आम जदि कोविड रूलटा जोटा मान्यवर मुख्यमंत्री सब जनसाधारण अनुरोध करे परिस्थिति भयावह हे जदि आम समस्ते कोविड रूल को न मानवा जदि धरतु मास्क न पिंधा धरतु आप सैनिटाइज न करिवा व्यवधान न करिवा एवं पुलिस को कहा जाइछि 10 दिन ए जो अवेयरनेस प्रोग्रामटा चारिआड़े एनफोर्समेंट करिवे समस्त ओर जो मास्क पिंधतु मानिकी चलतु एवं समस्त पर्वपर्वाणी को जहाँ आम कोविड रूल्स अच्छे समस्त मानवाप निर्देश दे चेन ब्रेक दिस इज द प्लान एवं मोर दृढ़ विश्वास जदि आम समस्ते कोविड रूल को मानिकी चलिबा आगामी दिन में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री कहते जे परिस्थिति भयावह ताकू आम नजर को नवाक पड़ो आमको प्रिकॉशन नवाक पड़ो एवं इतरो बेस्ट होचंती जनसाधारण यदि जनसाधारण न मानिबे ताले आउ के किछि करि परिबे। दुई दिन भितरे कोविशील्ड टीका न आसिले राज्य रे टीकाकरण प्रक्रिया बाधाप्राप्त हेबो। राज्यर टीका अभाव जोगु जिलार 400 टी केन्द्र बंद होय गलाणी। तणु वर्तमान 1103 टी टीका केन्द्र रे टीकाकरण चालिछि। टीका देबा पई केन्द्र सरकार को मेल और चिठी करा जाइछि मात्र सेपटु उत्तर आसी नाही। टीकार अभाव जोगु आमे लक्ष्य धार्य करि पारुनु। 15 लक्ष कोविशील्ड टीका राज्य को जोगाइ देबा पई आमे केन्द्र निकट रे दाबी रखिछु। वर्तमान 1,85,000 कोविशील्ड टीका कोल्ड चेन पॉइंट रे रहिछि। राज्य रे गतकाली 3,49,130 कोविशील्ड टीका पहुंचिछि। कोवैक्सीन टीका राज्य रे पर्याप्त परिमाण रो मौजूद रहिछि बोली कहिछन्ति परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। गत काली आमर 173,000 टीकाकरण होती तेणु आज दिन में आमर कोविशील्ड टीका 185,000 मात्र पाइपलाइन अच्छी। पाइपलाइन अर्थ समस्त कोल्ड चेन पॉइंट रे आमर से टीका महजूद अच्छी तेणु आम जो प्रतिदिन 2 लक्ष टीका धार्य करूँ आज आम से लक्ष्य हासिल करना जेहेतु आमर 2 लक्ष रु कम टीका आमर फिल्ड रे अच्छी किंतु गत काली आम अपराह 3,49,130 डोज कोविशील्ड टीका पाइलु जोटी काली संध्या बेले किसी जिला को जाइछ आज अन्य जिले में पहुँचब तेणु जिलार कोल्ड चेन पॉइंट रे आज संध्या सुधा सब पहुँचब तेणु से आसंता काली व्यवहार हो पार से जेहेतु 3,49,130 डोज आसी भी मात्र 2 दिन पर्याप्त हम तापर पुणी जदि टीका न आसो ताल आम टीकाकरण प्रक्रिय बाधाप्राप्त होवार आशंका अच्छी। पुरी श्रीमंदिर कोविड कटकणा लागू करने पुलिस मकड्रिल एसपी नेतृत्व में पुलिस पक्ष कोविड कटकणार जांच। श्रीमंदिर भितर दर्शन समय सामाजिक दूरता रक्षा सानिटाइजर व्यवहार और पार्श्व देवादेवी को स्पर्श न करने पुलिस पक्ष परामर्श दी जाए।
ଦେଶରେ ବି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,15,736 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,28,1,785କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାସହ ଦିନକରେ 630 ସଂକ୍ରମିତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,66,177କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 1,17,92,135 ଆକ୍ରାନ୍ତ। 8,43,473 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନିବା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରି ସଚେତନତା କରିବାକୁ 10 ଦିନ ଯାଏ ଆଜିଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଶନିବାର ରବିବାର ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଟେନସନ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 9,921 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାୟପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ରେପୋ ରେଟ୍ 4% ଥିବାବେଳେ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ 3.5% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମିତି ବୈଠକ ପରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିସି ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଶସ୍ତା ଇଏମ୍ଆଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଡିପି ବୃଦ୍ଧି 10.5% ରହିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରିଛୁ। ନମସ୍କାର।